स्पेशल टास्क फोर्स हिसार द्वारा अंतर्राज्यीय नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक व प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एसटीएफ हिसार की यूनिट ने निरीक्षक पवन के नेतृत्व में कार्य करते हुए दो नशा तस्करों को भारी मात्रा में अफीम सहित काबू करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है। बता दें कि टीम ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दर्शन सिंह वासी लुहन पंजाब व दविंद्र सिंह वासी भूरी माजरा पंजाब को कर्ण फिलिंग स्टेशन करनाल से काबू किया है। आरोपियों के कब्जे से एक 18 टायरी ट्रक व 30 किलो 340 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ थाना सदर करनाल में प्राथमिकी दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। यह हम आपको बता दें कि मामले की आगामी तफ्तीश एंटी नार्कोटिक सेल करनाल को सौंपी गई थी। तफ्तीश के दौरान आरोपियों के कब्जे से ट्रक के कैबिन में रखे 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वही आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अफीम को गुवाहाटी राज्य असम से सस्ते दामों पर खरीद कर लाते हैं और अलग अलग राज्यों में महंगे दामों पर बेचते थे। इस मामले में एसटीएफ हिसार यूनिट के उप निरीक्षक पुरुषोत्तम मलाल, सहायक उप निरीक्षक बलजीत सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनूप सिंह, मुख्य सिपाही नवीन कुमार, सिपाही सत्यनारायण, अजय कुमार व विवेक कुमार ने महत्वपूर्ण व सक्रिय भूमिका निभाई। एक अच्छी सफलता हाथ लगी है जब अंधेड़ा गांव के पास में नाकेबंदी करके एक ट्रक को रुकवाया गया था, जिसमें एक दर्शन सिंह जो ट्रक का ओनर है और एक देवेंद्र सिंह जो ट्रक का चालक है उन दोनों को राउंड अप किया गया था और उनके कब्जे से 30 किलो 340 ग्राम अफीम बरामद की गई है और साथ ही 8 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। दोनों को कल ही गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध अभियोग अंकित किया जा चुका है। उनको आज अदालत में पेश किया गया है। 12 दिन का हमने रिमांड अप्लाई किया है। माननीय अदालत जितने दिन का भी रिमांड मंजूर करेगी उसी के अनुसार हम आगामी विस्तृत जांच करेंगे। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो नशा है वो बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। देखिए, लोगों से मेरा यही निवेदन है कि उनके पास में जिस प्रकार की कोई भी यदि सूचना हो तो जरूर पुलिस के साथ साझा करें। पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाए और उस सूचना पे कार्रवाई की जाए। तो हमारा थाना है, वहाँ से हम पता कर रहे हैं कि इनका पुराना कोई रिकॉर्ड है, लेकिन हमें ये सूचना मिली है कि काफी समय से इस प्रकार के मामले में चल रही है। सर, कितनी कीमत होगी इनकी जो मूल्य? देखिए, जो ये पूछताछ में ये सामने आया कि ये पर केजी 1,25,000 रुपये पे करके आए हैं और आगे यहाँ बड़े और ज्यादा महंगे दामों पर यहाँ ला करके सप्लाई करते थे पटियाला के आसपास के एरिया में। तो आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी? जब मौके पर तलाशी ली गई तो हमारे जीएम रोडवेज हैं, उनको जो गजेटेड ऑफिसर है उनको मौके पर बुलाया गया था और उनके सामने तलाशी की गई थी। सर, आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि नशे के मामले करनाल हों या आसपास के जिले राज्य हों वहाँ ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, नशे के जितने भी संगठित जो गिरोह हैं और जो अंतर्राज्यीय नशा तस्कर है इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी कोई भी युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे के गर्त में ना जाए और जिला पुलिस की जो भी इस समय इसमें दायित्व बनता है उसको अच्छे ढंग से निभाया जाए। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मामले की अभी हम जांच जारी है। हम ये चाहते हैं कि हम इस जो भी ओरिजिनल सप्लायर जो अफीम के हैं जो गुवाहाटी से बताया जा रहा है उसको अरेस्ट किया जाए और इनकी जो संपत्ति है उसकी भी जांच की जाए और मामले में इसमें कौन कौन संलिप्त हो सकते हैं उनको भी शामिल जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, जो ट्रक में पकड़ी गई वो किस स्थिति में थी, कैसे मतलब उनको? देखिए, जो ये ऑलरेडी हमने एफआईआर में डिटेल में हमारी टीम ने मेंशन किया हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो दोनों व्यक्ति पकड़े गए उनके कब्जे से ट्रक और माल दोनों बरामद किया गया है। ठीक है जी, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.